आगे बढ़ते भोपाल से खबर, लाडी बहना योजना पर सियासत गर्मा गई है। सीएम प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस और कमलनाथ गरीब बहन आदिवासी विरोधी हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री का। हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान देंगे और उन्हें सामान भी देंगे। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है। सेना के खाते में पैसा डालना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीने ही छीना। पैसे डलेंगे लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया। सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने सिद्धानु सोलंकी जी, स्वर्गीय सिद्धानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। लाडली बहना के खाते में पैसा डलना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीने छीने। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, चुनाव से पहले सियासत लगातार गर्माई हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयानों में केंद्र में थे महिलाएं और आदिवासी, जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, जनजाति को लेकर जब से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर बात की है, मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है कांग्रेस के तमाम लीडर्स। लेकिन बात बीच में लाडली बहना को लेकर भी आ गई, जिस तरह से राशि डाली गई 4 तारीख को, तो ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ये दुरुपयोग किया गया, तो उसको लेकर आज उन्होंने सवाल उठाया कि लाडली बहना के खाते में पैसा जाना कष्ट पैदा कर रहा है कांग्रेस को और वो नहीं चाहती कि इनके खाते में पैसा जाए। ये संवैधानिक तरीके से भी हम देखें, इसको चुनाव की दृष्टि से भी हम देखें, आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही, तो उन्होंने कहा कि पहले से ऑलरेडी हम डाल रहे हैं तो कहीं इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। तो लाडली बहना यानी आधी आबादी पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी है, कांग्रेस की नज़र भी है। अब आधी आबादी किसकी बात मानेगी जया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के बयानों पर चर्चा होना, इस तरह के बयानों को गर्माना या बीजेपी कांग्रेस से बार पलटवार, ये देखने को खूब मिलेंगे, क्योंकि अब तो चुनावी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। पर लाडली बहना किसके साथ होगी, ये भी दिलचस्प। निश्चित रूप से मनोज जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो लाडली बहना योजना को लेकर, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन लगातार सियासत गर्मा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों और महिलाओं और आदिवासियों को केंद्र में रखकर कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्हें जवाब दिया है। और